शिवपुरी में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी वीरेंद्र सिंह धाकड़ के मार्गदर्शन में शिवपुरी आबकारी वृत्त प्रभारी विनेंद्र शर्मा के द्वारा अवैध शराब और जहरीली शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज शिवपुरी के सतनबाड़ा क्षेत्र में जहरीली शराब के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। वहीं एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आबकारी वृत्त प्रभारी विनीत शर्मा ने बताया कि अपनी टीम के साथ वह गश्त पर थे, तभी उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि शिवपुरी के सतनवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत सतनवाड़ा में एक महिला जहरीली शराब अवैध रूप से रखकर बेच रही है। इसी क्रम में जब टीम मौके पर पहुंची तो टीम को एक कट्टी में 15 लीटर जहरीली शराब मिली है। वहीं एक महिला आरोपी भी मिली जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 15 लीटर जहरीली शराब को आबकारी विभाग ने जब्त कर लिया है। सर, ये जहरीली शराब के ऊपर कार्रवाई की गई, क्या कार्रवाई की गई है और कहाँ से की गई है? आज दिनांक को नेट साहब के निर्देशानुसार और श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी के आदेशानुसार उनके मार्गदर्शन में आज गश्त के दौरान फिर से हमें सूचना प्राप्त हुई कि सतनवाड़ा क्षेत्र में ग्राम में आदिवासी मोहल्ले में एक महिला अवैध शराब का निर्माण कर रही है और शराब रखी हुई है। तो हम गश्त में तो थे ही, तो तुरंत वहाँ पहुँचे तो वहाँ महिला हमें एक कट्टी में करीब 15 लीटर इकट्ठी थी और 15 लीटर ही उसमें शराब थी। वहाँ मौके पर हमने उसकी जांच की तो वो हमें प्रथम दृष्टया मानव जीवन के लिए उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाई। हमें लगा कि कहीं ये शराब जहरीली थी हमें, तो हम उसको कब्जे में लिया और उसके ऊपर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) और 49 का प्रकरण उसका पंजीबद्ध किया है। कितने आरोपी गिरफ्तार किए हैं? करीब 15 लीटर शराब है। आरोपी आरोपी की एक महिला है, इसका नाम नीलम मंगिया है।